इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मैच आप सबने देखा होगा, और जब से बांग्लादेश क्रिकेट टीम मैच हारी कल इंडिया से, तब से बाकी बांग्लादेश के प्लेयर रह रहकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, और खास तौर पर बांग्लादेश के कप्तान और नूरुल हसन, जो कि काफी गुस्से में दिख रहे हैं। नूरुल हसन का तो यहाँ तक कहना यह है कि बांग्लादेश की क्रिकेट टीम के साथ कुछ बेईमानी हुई है, और यह बेईमानी उनको 5 रन का नुकसान करवा गई। उनके अनुसार जब बांग्लादेश की टीम चेस कर रही थी 7वें ओवर में, हर्षदीप ने एक थ्रो फेंका और उस थ्रो को कवर करने के लिए विराट कोहली पॉइंट पर खड़े हो गए। इसी चीज को उनका दावा है कि यह आईसीसी के जो रूल है उसके खिलाफ है। दरअसल आईसीसी का 40.15 रूल कहता है कि अगर कोई फील्डर बैट्समैन के आसपास आकर उसको डिस्टर्ब करता है और रन लेने की कोशिश में बाधा डालता है तो यह उनके खिलाफ है, और अंपायर को यह पूरा अधिकार होता है ऐसे केस में कि वह उस बॉल को डेड घोषित कर दे और बैटिंग टीम को 5 रन एक्स्ट्रा देने चाहिए थे, और ये 5 रन उनको न मिलने की वजह से कल बांग्लादेश हार गई। हालांकि मामला यहीं शांत नहीं होता है। बांग्लादेश के कप्तान साकिब का कहना यह है कि जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने इस मैच में कैसा परफॉर्म किया, तो उनका कहना यह था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने कैसा खेला या कैसा नहीं खेला या हमारा आगे का सफर कैसा होगा, बल्कि वो तो यहाँ तक इल्जाम लगा रहे हैं कि आईसीसी की जो फेवरेट टीम है वो इंडिया है, और अगर वो कल जीत भी गए होते तो विक्ट्री होने के साथ साथ फैंस और आईसीसी को नाराज कर देते। इसीलिए उनका कहना यह है कि इंडिया जीतने आई है, बल्कि हम तो वर्ल्ड कप जीतने भी नहीं आए हैं, हम सिर्फ खेलने आए हैं, तो हमें ऐसी जीत का क्या फायदा कि हम दूसरों को नाराज कर दें। अब इस बात में जो भी सच्चाई हो या उनकी जो भी सोच हो ये तो भगवान ही जाने, लेकिन ये बात सच है कि राहुल द्रविड़ ने भी उनको अच्छा खासा जवाब दिया है। राहुल द्रविड़ का कहना यह है कि बांग्लादेश पिछले 11 मैचेस भारत से नहीं जीता है और T20 वर्ल्ड कप में तो कभी भी नहीं जीता है। अगर 2019 का एक मैच छोड़ दो दिल्ली में हुआ था, तो उसके अलावा बांग्लादेश कुछ पिछले 11 मैचों से तो हार ही आ रही है भारत से। ऐसे में एक मैच और जीत गए तो उसमें क्या नया हो गया, इससे भारत आईसीसी का फेवरेट नहीं हो जाता। यहाँ पर सारी टीमें खेलने ही आई हैं, वर्ल्ड कप जीतने ही आई हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी टीम किसका फेवरेट है और किसका नहीं। हालांकि कल एक बात और अच्छी हुई, वो थी केएल राहुल के द्वारा। दरअसल पिछले 3 मैचों से केएल राहुल का परफॉर्मेंस कुछ अच्छा नहीं जा रहा था और लोग उन्हें ड्रॉप करने की भी बात कर रहे थे। कल के मैच में जब राहुल द्रविड़ ने हाफ सेंचुरी लगाया तो उन्होंने भी एक बात कहा। उनका कहना यह था कि कल केएल राहुल आराम से सो पाएंगे क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर लगने वाले इल्जामों को थोड़ा शांत कर लिया है। उनका कहना यह था कि टीम उनसे काफी उम्मीदें रखी है और ये ओपनर बैट्समैन भी हैं, तो टीम चाहती भी है कि कुछ वो अच्छा करके जाएं, और कल के मैच के बाद उन्होंने साबित किया कि टीम की उम्मीदों पर वो खरे उतरेंगे। टीम की जो जरूरतें हैं उनको वो समझते हैं और उसको हर दिन एक कंसिस्टेंट वे में रहकर प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल जो कुछ भी हो, रिजल्ट जैसा भी हो, लेकिन कल का मैच था बहुत इंटरेस्टिंग। अब सवाल ये आता है कि क्या इस मैच या हार जीत के बाद पाकिस्तान का क्या होगा, क्या पाकिस्तान अभी भी सेमीफाइनल का सफर तय कर पाएगी या नहीं। देखिए, पाकिस्तान के जो कप्तान हैं बाबर आजम, उनका तो मानना यह है कि भले ही पाकिस्तान के लिए रास्ते थोड़े डिफिकल्ट हो और मैथमेटिकली देखा जाए तो अभी भी थोड़े बहुत चांसेस बचे हैं, और वो ये वो इस तरह कि अगर वो अगले आने वाले कुछ मैचेस पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को भी हरा दे और बांग्लादेश को भी हरा दे कुछ अच्छे मार्जिन से, तो हो सकता है कि पाकिस्तान अभी भी सेमीफाइनल में आपको दिखाई दे सके। हालांकि ये मुश्किल जरूर लगता है, लेकिन असंभव तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता है और हो सके कि अगर बांग्लादेश खुद भी हार जाए, जैसा कि अफवाहें उड़ रही हैं कि बांग्लादेश खुद पाकिस्तान से अब ये मैच हारेगा, तो ऐसा अगर कुछ होगा तो भाई हो सकता है कि मार्जिन अच्छा मिल जाए और पाकिस्तान अभी भी सेमीफाइनल में देखने को मिल जाए। हालांकि इन इंजामों और जो बातें हैं इसके अलावा क्या कुछ चल रहा है, हम आपको आगे भी अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल कल के बांग्लादेश और भारत के मैच के बारे में आप क्या सोच